अगर आपके चेहरे से मास्क नीचे उतर गया है, सैनिटाइजेशन और हैंड फेस डिस्टेंस ऐसी चीज़ें, सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज़ें आपने भुला दी हैं, तो सतर्क हो जाइए। देश के तमाम राज्यों में कोविड-19 के केस एक बार फिर बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के दिल्ली में 300 नए केस आए हैं। इस दौरान 2 मरीजों की मौत भी हुई है। संक्रमण दर भी डबल डिजिट में पहुँच गई है। संक्रमण दर 13% से ऊपर है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 163 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। पिछले साल सितंबर के बाद पहली बार राष्ट्रीय राजधानी में एक दिन में ही 300 नए केस आए हैं। दिल्ली में अभी कोरोना के कुल 506 मरीज हैं। इनमें से 452 होम आइसोलेशन में हैं, जबकि 54 का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। कमोवेश यही हालात देश के तमाम अन्य राज्यों में भी हैं। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ से सितंबर अक्टूबर के बाद अब जाकर कोविड के इतने केसेस सामने आ रहे हैं। हालांकि इसमें एक थोड़ी राहत भरी बात यह है कि गंभीर स्थिति कम ही मरीजों को पेश आ रही है। ज़्यादातर मरीज ऐसे हैं जो कोविड-19 से इन्फेक्टेड होने के बाद भी होम आइसोलेशन में ही हैं और घर पर रहकर ही वो बेहतर हो रहे हैं, उनकी स्थिति बेहतर हो रही है। जबकि कम ही प्रतिशत ऐसे मरीजों का है जिनको अस्पताल जाने की नौबत आ रही है और मृतकों की संख्या भी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। लेकिन इस बीच कोविड के बढ़ते केस इस बात की ज़रूर चेतावनी दे रहे हैं कि जिन लोगों ने भी अपने मास्क गिरा लिए हैं, जिन्होंने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना छोड़ दिया है, उनको वापस इस ओर लौटना चाहिए। दिल्ली की तरह ही गाजियाबाद में भी कोरोना के 15 नए मामले आए हैं। इसके साथ ही 7 मरीजों का आइसोलेशन पूरा हुआ है, जिसके बाद जिले में कोरोना संक्रमण के 63 एक्टिव पेशेंट रह गए हैं। इनमें से 7 मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। मार्च महीने में अब तक जिले में कोरोना संक्रमण के 93 मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 20 संक्रमित स्वस्थ भी हो चुके हैं। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर आर के गुप्ता के अनुसार, शासन की गाइडलाइंस के अनुसार कोरोना संक्रमित के लिए आइसोलेशन टाइम 7 दिन से 9 दिन तक का है और ये अवधि पूरी होने पर दोबारा टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। विभाग की ओर से 6 दिन बाद दोबारा टेस्ट करवाया जा रहा है। DSO के अनुसार मरीजों में संक्रमण की गंभीरता ज्यादा नहीं है। बुजुर्गों में और कोमॉर्बिडिटी स्थिति वाले लोगों को ही अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। संक्रमित मिलने वालों के संपर्क में आने वाले 20 से 25 लोगों का टेस्ट कराना चाहिए। इसके साथ ही जांच बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें कि कोविड-19 की फर्स्ट और सेकेंड वेव काफ़ी घातक रही थी। इसके बाद जब ओमिक्रॉन वेरिएंट सामने आया था, तब भी कोविड केसेस लगातार बूस्ट हुए थे। हालांकि इस बीच कोविड संक्रमण फिर सितंबर अक्टूबर के बाद नीचे आने लगा। लगातार एक्टिव पेशेंट की संख्या कम हुई, लेकिन इसके बाद अब मार्च में एक बार फिर कोविड केसेस में उछाल देखा गया है। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कोविड के केस बढ़ रहे हैं। ठीक बात यह है कि ज़्यादातर केस में गंभीर स्थिति नहीं बन रही है। मरीज़ घर पर रहकर ही, यानी होम आइसोलेशन में रहकर ही स्वस्थ हो रहे हैं। जो बुज़ुर्ग मरीज़ हैं या जो ऐसे मरीज़ हैं जिनको पहले से भी कोई ख़तरनाक बीमारी है, दिल की बीमारी है या शुगर BP जैसी बीमारी है, उनको ही अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ रही है। लेकिन इस बीच ये भी ज़रूरी है कि कोविड-19 के खतरे को देखते हुए और पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखते हुए इसके खिलाफ़ पूरी सतर्कता बरती जाए। NBD ऑनलाइन की रिपोर्ट।